कृषि उपज मंडी में अनलॉक के पहले दिन सोमवार को उपज की बंपर आवक हुई। करीब एक एक किलोमीटर दूर तक वाहनों की कतारें लग गई। पहला दिन होने के चलते कलेक्टर और एसपी भी मंडी में पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर मयंक अग्रवाल और एसपी सूरज कुमार वर्मा सोमवार को अनलॉक के पहले दिन शहर का जायजा लेने के साथ कृषि उपज मंडी भी पहुंचे। कृषि मंडी में व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर मयंक अग्रवाल ने मंडी सचिव से मंडी के हाल जाने और साथ ही मंडी में गाइडलाइन के मुताबिक नीलामी करने और भीड़ एकत्रित न हो ऐसी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। कलेक्टर एसपी ने लहसुन प्याज मंडी का निरीक्षण भी किया। कलेक्टर ने कहा कि मंडी में उपज को दूर दूर रख नीलामी की व्यवस्था की गई है, इससे भीड़ नहीं होगी। निरीक्षण के दौरान एसडीएम एसएल शाह के सहित अधिकारी मौजूद। कोशिश ये करी जा रही है कि सबको बोली के स्थान को जितना दूर दूर करा जा सके उससे भीड़ एकत्रित ना हो, वो कार्रवाई कराई जा रही है। इसलिए मंडी से पुलिस के लिए लगातार सेंट्रल में जो माइक सिस्टम है उससे जो इंस्ट्रक्शन और सुझाव जो जारी होते रहते हैं ताकि टीमें मजिस्ट्रेट और पुलिस की लगी हुई हैं, साथ में बताती रहती है। अनलॉक होने से सोमवार को पहले दिन कृषि उपज मंडी में जोरदार आवक हुई। करीब एक किलोमीटर दूर तक उपज के वाहनों की कतारें लग गई। किसान दूर दराज से उपज लेकर मंडी में पहुंचे और नीलामी की। हालांकि ज़्यादा आवागमन नहीं होने से जाम नहीं लगा। सोमवार को लहसुन की बम्पर आवक रही। करीब 10,000 बोरी लहसुन और 600 कट्टे पोस्ता और कलौंजी मेथी की आवक भी हुई।